डिस्क ब्रेक जो कि आज के टाइम में साइकिल से लेकर गाड़ियों तक लगा होता है, लेकिन ये कैसे काम करता है वो हम आपको समझाएंगे। लेकिन इससे पहले स्क्रीन पे डबल टैप करिए और ध्यान से समझिएगा। डिस्क ब्रेक मेनली दो हिस्सों में बटा होता है। पहला होता है ब्रेक डिस्क, जिसके दो पार्ट होते हैं और इसके अंदर होल्स होते हैं जिससे कूलिंग बनी रहती है। दूसरा पार्ट होता है कैलिपर, जिसके दोनों साइड में कैलिपर पिस्टन होते हैं और एल्युमिनियम और प्लास्टिक से बना होता है। इसके अंदर ब्रेक फ्लूइड होता है जो कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, यानी उसका हेड होता है। जैसे ही ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है उस समय ब्रेक फ्लूइड में जो प्रेशर आता है वो प्रेशर कैलिपर पिस्टन के जरिए ब्रेक लाइनिंग पर जाता है और ब्रेक अप्लाई हो जाता है।